अखिलेश यादव 9 साल के थे, राजनीति और इश्क दोनों ही नहीं समझते थे। तब पापा के साथ खेलते हुए उन्हें यह पता नहीं था कि उस वक्त जो हो रहा था उसका जवाब उन्हें 40 साल बाद देना पड़ेगा। 19 जनवरी 2022 को अखिलेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक पत्रकार ने पूछा कि अखिलेश जी, अपर्णा बीजेपी में चली गई, क्या कहेंगे? अखिलेश को जवाब देते नहीं बन रहा था, इतना ही कह पाए कि उनको शुभकामनाएं। आज हम आपको अखिलेश के पापा की इन दो पत्नियों का दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे। कहानी शुरू होती है 40 साल पहले, यानी कि 1982 से। देश में कांग्रेस टूट रही थी, यूपी में पिछड़ा वर्ग, खासकर के यादवों का दबदबा बढ़ रहा था। उन्हें उनके नेताजी जो मिल गए थे, जनता पार्टी और नई उम्र की लड़कियां तक उस हसमुख चेहरे पर फिदा थी। नाम है मुलायम सिंह यादव। तब उनकी मुछ काली थी, उम्र 43 साल। लाइफस्टाइल मैगजीन की रिसर्च कहती है कि इंडिया के मर्द 35 से 45 साल में सबसे ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। तब समाजवादी पार्टी नहीं थी, राष्ट्रीय लोकदल था। औरैया जिले के विधुना के रहने वाले कमलापति की 23 साल की बेटी नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन वो राजनीति में कुछ करना चाहती थी। वो गोल मटोल स्वीट सी दिखने वाली लड़की कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में आई। उस दरमियान मुलायम की आंखें उससे टकराई। उस लड़की का नाम है साधना गुप्ता। तब क्या हुआ और क्या नहीं, सिर्फ एक ही शख्स जानता था, उसका नाम था अमर सिंह। अब वह नहीं रहे। मुलायम की इस कहानी के कुछ पन्ने सुनीता एरोन ने खोले थे। एक राइटर हैं सुनीता एरोन। इन्होंने अखिलेश यादव की बायोग्राफी बदलाव की लहर लिखी थी। इसमें कुछ पन्ने उन्होंने मुलायम की लव स्टोरी पर भी खर्च किए थे। सुनीता एरोन के मुताबिक शुरुआत में साधना और मुलायम की आम मुलाकातें हुई। मुलायम की माँ की वजह से दोनों करीब आए। मुलायम की माँ मूर्ति देवी बीमार रहती थी। साधना ने लखनऊ के एक नर्सिंग होम और बाद में सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मूर्ति देवी की देखभाल की। सुनीता एरोन लिखती हैं, मेडिकल कॉलेज में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी। उस समय साधना वहां मौजूद थी और उन्होंने नर्स को ऐसा करने से रोक दिया। साधना की वजह से मूर्ति देवी की जिंदगी बची थी। मुलायम इसी बात से इम्प्रेस हुए और दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई। तब अखिलेश यादव स्कूल में स्टूडेंट थे। दरअसल साधना खुद नर्स रही हैं। उन्होंने शुरुआती दिनों में कुछ दिनों तक नर्सिंग होम में काम किया, इसलिए उन्हें इंजेक्शन का इतना आइडिया नहीं था। इस घटना के बाद से तो मुलायम और साधना का प्यार और परवान चढ़ने लगा, पर इस प्यार को 6 साल तक सिर्फ एक ही शख्स जानता था। वो शख्स था अमर सिंह। साल 1982 से लेकर 1988 तक अमर सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि मुलायम को प्यार हो गया है। उन्होंने किसी से नहीं कहा, कहते भी कैसे? मुलायम के घर में उनकी पत्नी मालती देवी और बेटे अखिलेश जो थे। साल 1988, तीन चीजें एक साथ हुई। पहला, मुलायम मुख्यमंत्री बनने की एक कदम चौखट पर खड़े हुए। दूसरा, साधना अपने पति चंद्र प्रकाश गुप्ता से अलग रहने लगी, उनकी गोद में एक बच्चा था। तीसरा, मुलायम ने अखिलेश को साधना से मिला दिया। पर इस प्रेम कहानी को तो अभी एक और मोड़ लेना था। कारवा मैगजीन में नेहा दीक्षित ने इस प्रेम कहानी के बारे में लिखा था। उन्होंने बिना नाम छापे परिवार के खास लोगों के हवाले से लिखा, साल 1988 में पहली बार मुलायम ने ही अखिलेश को साधना गुप्ता से मिलवाया। तब वो 15 साल के थे। उसी वक्त अखिलेश को साधना अच्छी नहीं लगी। एक बार तो साधना ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। कुछ समय बाद उन्हें पढ़ाई के लिए पहले इटावा, फिर धौलपुर राजस्थान भेज दिया। ठहरिए, ये प्रेम कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। अब यहाँ एक और शख्स की एंट्री होगी। वो शख्स हैं विश्वनाथ चतुर्वेदी। विश्वनाथ चतुर्वेदी कहानी में अजीब किस्म के करेक्टर हैं। इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया, बस मुलायम की जिंदगी के जितने पन्ने दबे थे उन्हें उखड़वा डाला। इन्होंने मुलायम के खिलाफ 2 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। पूछा कि 1989 में 89,000 रुपए की संपत्ति वाला समाजवादी करोड़ों का मालिक कैसे बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई मुलायम की जांच करो। जांच शुरू हुई। 2007 तक पुराने पन्ने खंगाले गए, नई रिपोर्ट लिखी गई, उनमें ये सब लिखा गया। मुलायम की एक और बीबी और एक और बच्चा भी है, आज से नहीं 1994 से।
1994 में प्रतीक गुप्ता ने स्कूल के फॉर्म में अपने परमानेंट रेजिडेंट में मुलायम सिंह का ऑफिशियल एड्रेस लिखा था। माँ का नाम साधना गुप्ता और पिता का नाम M.S. यादव लिखा था। साल 2000 में प्रतीक के गार्जियन के तौर पर मुलायम का नाम दर्ज हुआ था। 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। अब सच तो यही है कि सही तरीके से साधना मुलायम की जिंदगी में आई। 1988 में और 1989 में मुलायम यूपी के CM बन गए। तब से वे साधना को लकी मानने लग गए। पूरे परिवार को बात पता थी, कहता कोई नहीं था। अब जब सब कुछ सामने आ ही रहा था, तब 2007 में मुलायम ने अपने खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया। इसमें लिखा था, मैं स्वीकार करता हूं कि साधना गुप्ता मेरी पत्नी और प्रतीक मेरा बेटा है। इस किस्से के बाद अब राजनीतिक हलकों में एक डर जगा कि समाजवादी पार्टी का एक और उत्तराधिकारी पैदा हो गया। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती है। अखिलेश अपने पिता से काफी नाराज थे। मुलायम ने अकेले लड़ाई करके विधानसभा चुनाव 2012 जीता और गद्दी दे दी अखिलेश यादव को। बोले, ले बेटा संभाल इसे। 19 जनवरी को जब उसी साधना की बहू अपर्णा यादव ने BJP का झंडा थामा तो लोगों ने पूछा, क्या अखिलेश संभाल नहीं पा रहे? फिलहाल वे इतना कहकर निकल गए कि उन्हें शुभकामनाएं। हालांकि सबको पता है कि अगले 48 दिन यानी 10 मार्च तक उन्हें 40 साल पुरानी लव स्टोरी दर्द तो देती रहेगी।